साध संगत जी प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। अच्छा, एक जगह सत्संग हो रहा था, तभी सत्संग शुरू हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था, तो जब कहीं भी निरंकारी सत्संग चालू होता है तो सबसे पहले अवतार बाणी का शब्द पढ़ा जाता है। हरदेव बाणी भी अब पढ़ा जा रहा है, हरदेव बाणी अवतार बाणी पढ़ा, तो पहले अवतार बाणी पढ़ा जाता था। तो अवतार बाणी जैसे चालू हुआ तो उसमें लोग पढ़ रहे थे, रे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है। तो ये कुछ दूर पे मतलब पति पत्नी दो लोग बैठे हुए थे, तो लोग इस बात को सुन रहे थे। तो कई बार ये शब्द फिर सत्संग चालू हुआ तो उसमें भी बहुत लोगों ने कहा कि अवतार बाड़ी में शब्द आया है कि रे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है। तो जो दो पति पत्नी बैठे हुए थे उसमें चौधरी जी थे और उनकी पत्नी चौधरायन थी। तो चौधरी जी ने कहा अपनी पत्नी से कि आप सुन रही हैं निरंकारी लोग क्या कह रहे हैं, सत्संग में निरंकारी लोग क्या पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ सुन तो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पढ़ रहे हैं कि रे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है। तो आप बताइए, भोजपुरी में उन्होंने कहा, भोजपुरी लोग थे, भोजपुरी गांव में सत्संग हो रहा था। तो चौधरी जी भोजपुरी में कहा हो चौधरायन, तू ही बतावा, तू हमार संग नहीं देबू। तू कहली कह रहे भल्लवा ई का कहतनी, मतलब हम आपके साथ जो है सात फेरा ले लेबानी, अग्नि के साथ फेरा ले लेबानी, सात जन्म ले रहा और साथ देवी एक जन्म के चलावे हम रहा और साथ आपके साथ हम नहीं छोड़ब। कहलन की अच्छा, तो कह रहे हैं निरंकारी लोग कि रे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है। तब तक उनका बेटा आ गया। तो चौधरी जी ने कहा कि बेटा ये बताओ कि तुम हमारा साथ नहीं दोगे, तू हमारा साथ नहीं देवा। अरे पिताजी आप का कहतनी, जमराज के एकदम दुआरी से अंदर हेल ही ना देव, दुआरिये पे खड़ा हो जाए। आप हमारा के पढ़ा लिखा के इतना बढ़िया इंजीनियर बने नहीं, हम आपके साथ ना दे, एकदम मरते दम तक साथ दे बाप के। कौन की बात बा, तो कौन की लोग गलत कह रहे हैं कि रे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है। अब एक दिन जो है वो अपने मन में सोचे कि अच्छा देखेंगे कोई साथी है कि नहीं है। तब सुबह में 5 बजे भोर में वो लोग टहलने जाते थे, अब वो 5 बजे भोर में उठिए नहीं रहे। तब चौधरायन कही गए क्या है चौधरी जी सुतले रहबा, अरे उठा अभी तो 4 बजे उठ के तू चल जा तला टहरे। तो उठा चल चल जाओ टहरे चल जाओ रोड पर, तू तो कुछ बोलते नहीं खन, हाथ गोड़ पसार दे। ऐसे हाथ दोनों अपना पसार दिए थे चौधरी जी, दोनों हाथ एकदम खड़ा कर दिए थे, पसार दिए थे और सांस वांस रोक दिए थे, मतलब नकल कर दिए थे। अब नकल किए, अब जैसे जो है भोर हुआ, पत्नी पहुंची जगा रही हो, जगी देख रहे हाथ गोड़ पसार दिए हैं। अब लगी रोने चौधरी रानी की, अरे तो चौधरी जी छोड़कर हम लोगों को चले गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब इतने में कुछ गांव के लोग जो है धीरे धीरे साफ हुआ, 6-7 बज गया, कुछ गांव के लोग आए, बोले कह रहे भाई अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा, आप इनको बाहर निकालिए, रूम से बाहर निकालिए और दूसरा तैयारी कीजिए, वो सब बांस वांस मंगाइए हरा और टिकटी उकटी बनवाइए, मजल उजल अब इनको ले चलिए गंगा जी किनारे, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। अब गाँव के लोग उनको जो है अब टांग करके और बाहर ले आ रहे थे, तो दोनों हाथ अपना ऐसे खड़ा कर दिए थे, पसार दिए थे एकदम। तो जब ले आ रहे थे तो दरवाजे में जो है उनका हाथ जो है बाहर नहीं निकल रहा था। तो गांव वालों ने कहा कि उनके बेटे से कहा कि बाबू ऐसा है कि इनका हाथ जो है नहीं निकल रहा है। तो बोले कि मम्मी से कहिए, तो मम्मी से बोले कि देखिए इनका हाथ जो है ऐसे हो गया है, बहुत कड़ा हो गया है, दरवाजे से बाहर नहीं निकल रहा, इस दरवाजे को खोदना पड़ेगा, थोड़ा रम्मा ले आइए, थोड़ा ले आइए खोदने वाला कुछ, दरवाजा खोद करके दीवार तोड़ना पड़ेगा तभी इनका हाथ निकल पाएगा। तो चौधरायन कहली कि बाबू अब तो जौन होखे के तौन होइए गई, अब तो जौन होखे के बतौन होइए गई, लब के लड़का इतना बढ़िया इतना कना, कभी नया नया गेट लागल हो, नया अभी घर है रंगैया पोतै भैल, जौन होखे के तौन होइए गई, ऐसा कर लो चौधरी के बहिए ना धके तरेर दलो, बहिया उनकर धक तूर दलो, दरेर दलो, निकाल दलो। तब चौधरी अपने मन में कह रहे हैं कि सही निरंकारी लोग पढ़ रहे थे कि रे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है, अंत समय में काम नाम ही आए, जान अकेले जाती है।
अच्छे पढ़ रहे थे। अब उनके बेटा से पूछेगा कि बाबू ऐसा है पिताजी तो आपके शरीर छोड़ दे, ले चलिए इनको बढ़िया जगह पे काशी जिले चलिए, वहीं जो है जलाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वाला पे। लड़का ने कहा अरे भाई अब तो जो होना था वो हो ही गया, अब तो काशी जिले जाने से क्या फायदा, उतना दूर जाएंगे गाड़ी घोड़ा करेंगे, यही ले चलिए वही नदी पर ही अपने अपने गांव की जो नदी है यही जो है इनका दाह संस्कार कर दिया जाए। तब चौधरी जी ने कहा कि बताइए इतना पैसा लड़का कमा रहा है, इसको पढ़ा लिखा है इंजीनियर बनाए। कहने का मतलब यही है कि रे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है। एक गीत भी आया हुआ है कि भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है, भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है, झूठे रिश्ते नाते हैं झूठ का झमेला है। एक सच्चा जो है गुरु ही हमारा जो है असली साथी है, जो इस निराकार से मिला देता है, जो हमें जन्म जन्म के चक्कर से दूर कर देता है, जो हमारे जन्म जन्म तक साथ रहता है। ये शरीर रहे तो भी शरीर ना रहे तो भी निरंकार जो है हमारे अंग संग में रहता है, हमारे साथ रहता है। तो यही अवतार वाणी का शब्द है, धन निरंकार जी।